Now let's start with circular flow of income. Circular flow of income requires you to know that there are four sectors in an economy. Those four sectors are household, firm, government, and rest of the world. This can also be called the foreign sectors. These are the four sectors in an economy. Each sector has something to do with the other. Kuch na kuch relation hai, kuch na kuch economic transactions aapas mein hote hain. To is hisab se we can study four sector models, right? But in your CBSE syllabus 2019-20, we don't have the three and the four sector model. You just have to study the two sector model. Alright, so taking up the two sector model, we have the first two sectors, that is the household sector and the firm. Now first understand, household sector is all of us jo ki production activity mein contribute karte hain apni services. Theek hai, ek company ka CEO hai, wo wahan par apni job kar raha hai, he is contributing to that production unit firm. अगर कोई रिक्शा पुलर है जो कि स्कूल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एक हाउसहोल्ड है जो फर्म को अपनी सर्विस दे रहा है. इन शॉर्ट, हाउसहोल्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज टू द फर्म्स. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू रिमेंबर. दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दे रहे हैं, उसके बदले हमें क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट्स. जैसी भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को, उसी हिसाब से हमें फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगे. जैसी भी सर्विस का मतलब ये है कि सपोज इफ आई हैव अ पीस ऑफ लैंड विच आई हैव लेंट टू अ फर्म फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, देन ऑल्सो आई एम अ फैक्टर and I will be receiving rent in return of the land that I have given to the firm for production. Alright, so households are those which provide factor services to the firm and in return they get the factor payments. Secondly is the firm. Firm is that sector which hires the factors services from the household. Factor services hire करती हैं, उन्हें एक साथ gather करके production activity undertake करी जाती है और उस production activity से जो income generate होती है वो अपने पास as profit retain कर ली जाती है. At the same time उसमें से factor payments भी किए जाते हैं to the households. ठीक है, अगर आप हाउसहोल्ड और फर्म की बेसिक सी रिलेशन समझ लेंगे कि हाउसहोल्ड अपनी सर्विसेज फर्म को देता है, उसके बदले फर्म पेमेंट करती है, यहाँ पर स्टोरी एंड नहीं होती है. दूसरी चीज़ ये आती है, दूसरा एंगल क्या है कि जो पैसे कमाता है हाउसहोल्ड, वो उसे अपने कंजम्पशन, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है, खर्च करता है, तो वो पैसा अल्टीमेटली किसके पास जाता है? फर्म्स के पास ही जाता है जब हम उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं. ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग अप फर्म एज अ होल. अब हो सकता है मिस्टर जेड हैं जो कि मेडिसिन फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो अपनी सर्विसेज उस मेडिसिन फैक्ट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अब जब उन्हें सैलरी मिलेगी वो उस पैसे को खर्च करेंगे. से वो अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदते हैं, अपनी फैमिली के लिए फूड खरीदते हैं, तो वो पैसा जा तो फर्म एज अ होल को ही रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द फ्लोज इजिली. ठीक है, अब फ्लोज डिस्कस करते हैं. हाउसहोल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को दी. फर्म ने उसके बदले आपको क्या दिया? क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स दिया. ठीक है, ये एक एंगल पूरा हुआ.
अब दूसरे पर आते हैं, जो हाउस होल्ड ने मनी अर्न किया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, उसको उसने यूज किया फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे मैंने कहा कि आप जो पैसा कमाएंगे वो दूसरे फॉर्म को या उसी किसी बिजनेस यूनिट को देंगे, क्योंकि आप उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं. तो आपने उनका पेमेंट किया और उसके बदले आपको मिल गया फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ये सिंपल से फ्लोज आपको याद रखने हैं. और टू सेक्टर मॉडल कंप्लीट. अगर ये इस हिसाब से टू सेक्टर मॉडल स्टडी किया जा रहा है जिसमें कि कैपिटल मार्केट नहीं है, दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल मॉडल, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि हाउस होल्ड अपना सारा मनी खर्च कर दे और फर्म को दे दे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, और फर्म अपना सारा इनकम जनरेटेड बांट दे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. रियलिटी में क्या होगा, दैट वी ऑल्सो हैव अ कैपिटल मार्केट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, कैपिटल मार्केट जिसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब आ जाते हैं, उसका क्या रोल है कि हम हाउस होल्ड्स जितना भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन हम सेव करते हैं. ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन हम खर्च कर देते हैं फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट कुछ पोर्शन हम सेव करते हैं. तो जो पोर्शन हम सेव कर रहे हैं वो इस फ्लोज से, रियल और मनी फ्लोज